Hi everyone, good morning. You are watching us as Block and Recipes and here I am Asha. Welcome or welcome back to my channel. तो आज लंच में क्या क्या है? रेड बेबी अमरान फ्राई और यहाँ पे है एश गॉड बॉम्बे डक ड्राई फिश बॉयल और साथ में है और एक ये है थाई ब्रिंजल मोशोदिंग विथ फर्मेंटेड फिश. और सूरज मामा आज बेजान नहीं है, एकदम तरताज़ा होके उगे हैं. आज भी देखते हैं, पहले मैं खाना खा लेती हूँ, सुबह का काम तो ख़त्म, उसके बाद देखूँगी कपड़े धो लूँगी कि नहीं, है ना. आसमान में थोड़ा बादल भी छाया हुआ है और वो धूप भी है, लेकिन ये कंफ्यूजन में डाल दिया. आज वेदर रिपोर्ट देख के मैं कपड़े धो लूँगी. शाम हो चुका है, शाम की चाय बना रही हूँ चाचा लोगों के लिए. बाबाई नहीं है, बाबाई अपने घर में है राजनगर में. पापा के लिए, पापा इन चाचा लोगों के लिए चाय. ये डायरी व्हाइटनर से बनेगा, मिल्क पाउडर से. और एक पापा को अभी चाय होते होते मैं मिल्क दे के आती हूँ, शुगर, ढेर सारे शुगर के साथ, वरना पियेंगे नहीं. शुगर चाहिए होता है. ए, अरे हम लोगों के यहाँ के तीन में ना कौन ईटे फेंकता है, पत्थर फेंकता है, पता नहीं. बच्चे हैं, बच्चे खेलते खेलते फेंकते हैं इस तरफ और मेरे से डांट खाते फिर बंद कर देते. मतलब उन लोगों को डांट खाना मेरे से आदत हो गया है, इसलिए शायद. ये मेरी ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन इसमें कॉफ़ी का जो फ्रेग्रेंस होता है वो होता ही नहीं है. ये वाला कॉफ़ी अभी लाए थे, वेनिला वाला. कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक्स्ट्रा एरोमा मेरे को पसंद ही नहीं है. सिर्फ मुझे प्योर ब्लैक कॉफ़ी ही पसंद है. फिर भी क्या कर सकते हैं, अब ले आए तो पीना ही होगा. ये पियूंगी थोड़ी देर बाद. पहले मिल्क दे आती हूँ पापा को, उसके बाद चाय सर्व करनी है. एंड रोज़ की तरह घर की साफ सफाई, और मतलब शाम के संध्या पूजन के लिए ना, घर के झाड़ू पोछा और फिर नहाने जाऊँगी और फिर संध्या पूजन होगी और फिर जाके डिनर बनाऊँगी. खाना पीना ख़त्म, डिनर विनर ख़त्म, राइस बचा हुआ है. आज पापा ने भी कम ही खाए, मैंने भी कम ही खाई. पापा ने तो मिल्क वगैरह पिए थे ना, मिल्क, चाय, ब्रेड वो वगैरह, इसलिए कम खाए. चिकन बनाया गया था आज, एक तो सा रह गया, इसको गर्म करके दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी. सारे सब्ज़ी बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ भी, ये सारे भी गर्म करके ना फ्रिज में रख दूँगी. और आज ये खाली कॉफ़ी का बोतल, ये सारे जो चीज़ें सामान ख़त्म हो गया था, ये भी कॉफ़ी का है, ये सारे बोतल जार जार एकदम परिष्कार एकदम साफ तरीके से धो डाले. और सारे जो मसाले वगैरह थे ना, यहाँ इस डिब्बे में डाल लिए हैं, अमन वगैरह, मेथी वगैरह, और ये बाकी है, ये सारी चीज़ें. आज बहुत सारे यही चीज़ें काम किए मैंने, यही सारा काम. यहाँ भी एकदम भर भर के रख दिए, यहाँ और बाकी है, धीरे धीरे करूँगी. एक हिसाब पे इतना सब कुछ पूरा फैमिली का काम कैसे कर पाऊँ, है ना, वो भी खुद अकेली अकेली, है ना. तो वही करूँगी ये काम. पहले मैं थोड़ा, हाँ, पापा का मिल्क ना यहाँ पे गर्म कर, नहीं, हाँ, क्या बोल रही हूँ, ख़राब ना हो जाए इसलिए यहाँ रख दिया मैंने. और ये मैंगो मंगवाया था आज पापा के लिए, वही सारे, हाँ, यहाँ पे पुदीना पत्ते सुखा कर ऐसे मैं ऐसे करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में पुदीना अभी तक लगाना नहीं हुआ आंगन में. और ये देखिए कोकोनट मिल्क, कुछ नया रेसिपी बनाया जाएगा इसमें. देखिए ये उस दिन फिक्स किया गया था. इस रूम का ये हाल है, सारे ब्लैंकेट आज सनलाइट में दी थी और फिर यहाँ रख दिया गया है. ये धुला हुआ है, ये रजाई भी कल सनलाइट में दिया गया था. पिलो कवर धो दिया गया है आज, तो वो सूखने के बाद लगा दूंगी. यहाँ तो ये है, देखिए मैंने किचन नैपकिन किस चीज़ से बनाया है, मेरे पुराने जो शॉर्ट्स वगैरह है इसी से बना लिया. खरीद खरीद कर हो, बिना मतलब खरीद खरीद कर ना ऐसे किचन नैपकिन, क्यों पैसों की बर्बादी करना, है ना, इसी से चल जाएगा. और देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया है, ये जूस का बॉटल था. और यहाँ पे राधुनी सेलरी सीड्स, ये देखिए डाल दिया पूरा. इधर इधर तक होता तो दिखने में अच्छा होता ना, सेम कलर का एक बॉटल. तो इसमें देखिए ब्लैक, इसमें थोड़ा सैंड कलर, तो ऐसे ना
इतना इतना सा होता और सेम कलर का ढेर सारे बॉटल होता, और इससे ये थोड़ा छोटा है, देखिए ये लंबू, ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ, हाँ ऐसे एक मतलब रखते हैं तो क्या बता रही हूँ मैं, हिंदी क्यों नहीं आ रही मेरे को आज, मतलब ऐसे सेम सेम बॉटल ना ढेर सारे ऐसे रख के इसमें कई प्रकार के सेट्स डाल के रखने से सुंदर दिखता ना, बाहर बारिश हो रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तिल दिन बाय, गुड नाइट, मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ।